नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल क्रिकेट मूड में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कुणाल। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच होने वाले मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इस मुकाबले में दोनों टीम यूपी वॉरियर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़त डिवाइड पार्टी स्टेडियम में खेली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ है यूपी वॉरियर्स और एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों, यूपी वॉरियर्स की कमान संभाली है एलिसा हेली ने। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ आरसीबी की कमान संभाली है स्मिता मंदना ने। दोस्तों, अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को यूपी वॉरियर्स ने 10 विकेट से हराया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 138 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं उन्हें 19.3 ओवर में ऑल आउट कर दिया था। दोस्तों, इस दौरान लक्ष्य का पीछे करने वाली उत्तरी यूपी वॉरियर्स ने 42 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर दिया और एक बेहतरीन दर्ज अपने नाम हासिल करी। दोस्तों, यूपी वॉरियर्स के कप्तान को केवल 47 गेंदों पर 96 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अगर इस टूर्नामेंट की आरसीबी के प्रदर्शन की बात करें तो वो एक भी मैच नहीं जीती। दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो इस हाई स्कोरिंग वेन्यू में रन आसानी से बन जाते हैं, लेकिन लाल मिट्टी की उछाल पर बल्लेबाज भरोसा कर सकते हैं जो लाइन के माध्यम से अपने शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों, इस विकेट पर बचाव करने की तुलना में लक्ष्य का पीछा करना बहुत ही आसान होगा, जो पूरी तरह से बेहतर है। दोस्तों, आइए जानते हैं आरसीबी वर्सेस यूपी वॉरियर्स के प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स में रह सकती हैं स्मृति मंदना एज अ कैप्टन, सोफी डिवाइन, हीथर नाइट, दिशा कासत, एलिसा पेरी, रिचा गोज एज अ विकेट कीपर, कनिका आहूजा, आशा शोभन, प्रीति बोस, मैगन शट, रेणुका ठाकुर सिंह। और दोस्तों, वहीं यूपी वॉरियर्स में रह सकते हैं प्लेइंग 11 दोस्तों एलिसा हिली एज अ कैप्टन, श्वेता शेरावत, तालिया मैक्रिगा, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, सिमरन शेख, किरण नवीगिरे, देविका वैद, सोफी एक्लेस्टोन, अंजलि सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़े। या दोस्तों, तो देखते हैं यूपी वॉरियर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कौन ये मैच अपने नाम करेगी। तब तक के लिए दोस्तों, क्रिकेट मूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।